हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा पाइथन ऑपरेटर्स। पाइथन में ऑपरेटर्स किस किस तरह के होते हैं, किसका क्या काम होता है, वो हम देखने वाले हैं। और थोड़ी सी एनर्जी जो है वो डाउन रहेगी इस लेक्चर में, बिकॉज तबीयत थोड़ी सी डाउन है। तो आशा करता हूँ आप लोग साथ देंगे और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, पाइथन में बेसिकली ऑपरेटर्स जो होते हैं वो जैसे मैथमेटिक्स में प्लस माइनस डिवीजन होता है, दो चीजों में कंपैरिजन होते हैं, कोई आइडेंटिटी होती है, उसी तरह से पाइथन में ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। अभी तक पीछे वाले लेक्चर्स में हमने काफी बार ये चीज देख चुके हैं हम कि वेरिएबल और वैल्यूज, इन दोनों का बहुत ज्यादा काम होता है पाइथन में। इन दोनों की बहुत ज्यादा बात होती है, वेरिएबल्स की और वैल्यूज की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसके अंदर हम कोई डेटा डालते हैं, वो डेटा जो हमने उसके अंदर डाला होता है वो क्या हो जाती है, उस वेरिएबल की वैल्यू हो जाती है। अब एक एग्जांपल है, जैसे प्रिंट 10 प्लस 5। यहाँ पे हमने प्लस ऑपरेटर का यूज किया है दो वैल्यूज को एड करने के लिए। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। और यहाँ पे ऑपरेटर क्या यूज हुआ है? प्लस किसी दो वैल्यूज के बीच में, 10 और 5 के बीच में एडिशन करने के लिए हमने ऑपरेटर का यूज किया है। ऐसे ही कभी एग्जांपल ऐसा आएगा जहां पे वेरिएबल्स के बीच में हमें कुछ करना पड़ेगा, अभी हमने वैल्यूज को ऐड किया है, तो ये सब करने के लिए, ऐसे ऑपरेशंस करने के लिए वेरिएबल और वैल्यूज पे जिनका हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं ऑपरेटर्स। अब पाइथन डिवाइड करता है ऑपरेटर्स को कुछ ग्रुप्स, 7 तरह के ग्रुप्स होते हैं। इन ग्रुप्स में डिवाइड करता है पाइथन अपने ऑपरेटर्स को। एक-एक करके सबके बारे में देखेंगे कैसे होते हैं, क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं और बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। ये 7 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर इन पाइथन, पाइथन में कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 7 तरह के। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से मान लो 3 ऑप्शन आपको दे दिया अर्थमेटिक, असाइनमेंट एंड कंपेरिजन, और एक लिख दिया ऐसे ही ग्रुप ग्रुप ऑपरेटर्स लिख दिया या कुछ और लिख दिया, तो बोलेगा कि इन 4 में से कौन सा ग्रुप जो है वो ऑपरेटर्स का नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप एंड बिटवाइज। चलिए एक एक करके अब इनको समझते हैं। तो ये आ गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स जिनको बोलते हैं। प्लस ऑपरेटर का यूज होता है ऐड करने के लिए, जैसे एक्स प्लस वाई दो वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए हमने प्लस का यूज किया। सब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हम माइनस के साइन का यूज करते हैं, सिंपल है। मल्टीप्लीकेशन के लिए हम कीबोर्ड में जो स्टार का साइन होता है उसको यूज करते हैं। डिवीजन के लिए जो डिवाइड का साइन होता है, आपकी राइट हैंड साइड में जो कीबोर्ड में शिफ्ट की होती है उसके जस्ट लेफ्ट में जो बटन होता है वो डिवाइड का होता है, उसका यूज करते हैं हम डिवीजन करने के लिए। ये परसेंटेज का साइन जो होता है ना मैथमेटिक्स में, तो ये परसेंटेज का साइन होता है, लेकिन पाइथन में आने के बाद इसको मॉडुलस बोला जाता है। और इसके काम का क्या क्या होते हैं वो आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे मैथमेटिक्स में तो इस साइन का आप यूज करते हो किसी नंबर की परसेंटेज निकालने के लिए, या कोई नंबर दूसरे नंबर का कितने परसेंट है, या इसमें से इतने परसेंट कम कर दिया, इतने परसेंट जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मॉडुलस का मतलब कुछ और ही होता है, वो आगे चल के हम देखेंगे। उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का काम, एक्स एक्स स्टार स्टार वाई का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए हम एक्स हमने ले लिया 3 और वाई हमने ले लिया 2, और अगर इसके बीच में हमने एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज किया तो इसका मतलब होता है 3 की पावर 2 हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर हो जाना, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू अगर 3 था, वाई इज इक्वल टू अगर 2 था और एक्सपोनेंशियल का यूज किया हमने, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 की पावर 2। उसके बाद होता है फ्लोर डिवीजन। एक डिवीजन होता है और एक फ्लोर डिवीजन होता है, जब प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से समझेंगे क्या होता है इनमें, क्या ध्यान इतना रखना है। डिवीजन में सिर्फ एक डिवाइड का साइन आता है, फ्लोर डिवीजन में 2 डिवाइड डिवीजन के साइन आते हैं। इतना आपको बता देता हूँ, फ्लोर डिवीजन का यूज हम मैक्सिमम टाइम करते हैं डेसिमल वैल्यूज के लिए, पॉइंट में जो वैल्यूज होती है उनके लिए हम यूज करते हैं फ्लोर डिवीजन।
तो ये थे पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। असाइनमेंट का मतलब होता है कि कुछ किसी को कुछ वैल्यू असाइन कर देना। देखो इज इक्वल टू का मतलब होता है सिंपल एक्स इज इक्वल टू फाइव सेम एज एक्स इज इक्वल टू फाइव। अब देखो प्लस इज इक्वल टू, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, आपके सामने लिखा होगा ए प्लस इज इक्वल टू बी प्लस इज इक्वल टू कुछ ऐसे लिखा होगा, तो वहां पे उसका मतलब क्या होता है। देखो एक्स प्लस इज इक्वल टू थ्री, ए प्लस इज इक्वल टू थ्री, बी प्लस इज इक्वल टू थ्री, इनका मतलब क्या होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो प्लस इज इक्वल टू का मतलब होता है ए प्लस इज इक्वल टू का थ्री हो जाता है, मतलब हो जाता है ए इज इक्वल टू ए प्लस थ्री। बी प्लस इज इक्वल टू थ्री का मतलब हो जाता है बी इज इक्वल टू बी प्लस थ्री। ऐसे ही एक्स प्लस इज इक्वल टू थ्री का मतलब हो जाता है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। अब माइनस इज इक्वल टू अगर आ जाए, एक्स माइनस इज इक्वल टू थ्री अगर आ जाए, वहां पे क्या होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, ये दोनों सेम है। प्लस इज इक्वल टू और माइनस इज इक्वल टू का मतलब यही होता है, प्लस का मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, वाई का माइनस का मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। स्टार इज इक्वल टू आ जाए, एक्स स्टार इज इक्वल टू थ्री का मतलब क्या होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार थ्री, यानी कि गुणा। डिवीजन इज इक्वल टू आ जाए, एक्स डिवीजन इज इक्वल टू थ्री, इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई थ्री। मॉड्यूलस इज इक्वल टू का साइन आ जाए, एक्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू थ्री का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस थ्री। फ्लोर डिवीजन इज इक्वल टू आ जाए, उसका मतलब होता है एक्स फ्लोर डिवीजन इज इक्वल टू थ्री हो अगर एग्जाम्पल, तो उसका मतलब होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स फ्लोर डिवीजन थ्री। एक्सपोनेंशियल यानी कि डबल स्टार इज इक्वल टू आ जाए और एग्जाम्पल हो एक्स डबल स्टार इज इक्वल टू थ्री, उसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर तीन हो जाएगा। अगर एक्स इज इक्वल टू थ्री था और एक्स स्टार स्टार थ्री हो गया तो थ्री की पावर थ्री हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एंड इज इक्वल टू आ जाए, एक्स एंड इज इक्वल टू थ्री, इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड थ्री। एंड और नोट इनका हम अलग से टॉपिक करने वाले हैं, लेकिन होता क्या है एंड का मतलब होता है ये भी और ये भी, दोनों में से चेक करना होता है। और का मतलब होता है या तो ये या ये, नोट का मतलब होता है ये भी नहीं ये भी नहीं, ठीक है। और इज इक्वल टू थ्री आ जाए तो एक्स इज इक्वल टू एक्स और थ्री, या तो एक्स या थ्री, दोनों में कंपैरिजन, ठीक है। और इसके बाद ये पावर का साइन होता है, पावर इज इक्वल टू एक्स पावर इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर थ्री। लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू थ्री, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू एक्स लेस देन थ्री। ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू थ्री, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन थ्री। ये होते हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आई होप आपको इन सब का काम पता लग गया होगा। इनमें से कोई भी अगर आपको कंफ्यूजिंग लगा हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। जैसे इक्वल टू का मतलब होता है इक्वल होना। फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स भी तीन होगा और वाई भी तीन होगा, दोनों वैल्यू बराबर होगी। ये जो एक्सक्लेमेशन का साइन और इज इक्वल टू लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। एक्स एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू वाई, इट मींस एक्स चार है वाई तीन है, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई होगा। ये ग्रेटर देन का साइन होता है आपको पता है, लेस देन का साइन होता है आपको पता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का भी आपको पता है और लेस देन इक्वल टू का भी आपको पता है। तो कहने का मतलब इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये सारे के सारे क्या होते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, तुलना वाले ऑपरेटर्स होते हैं। दो चीजों के बीच में तुलना कराई जाती है कंपेरिजन ऑपरेटर्स का यूज करके। अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि विच पाइथन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर बिटवीन टू वैल्यूज, तो कौन सा कंपेरिजन ऑपरेटर हम समझोगे। चलिए अब नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए काम आते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए काम आते हैं। कंडीशंस कैसी होती है, कंडीशन का मतलब क्या हो गया, कोई आपके सामने आके कोई कंडीशन रखता है भाई या तो तू ऐसा कर ले या तू ऐसा कर ले। इंग्लिश में जब आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश में एक एडियम होता है ऑप्शंस चॉइस।
तो ऑप्शंस चॉइस ईडीएम जो होता है उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी चॉइस ना होना, ऐसी कंडीशन रख देना कि हमारे पास कोई चॉइस ना हो। हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं और हमारा सीनियर हमें आगे बोलता है भाई या तो तू खुद जॉब छोड़ दे या मैं तुझे जॉब से निकाल दूंगा, यानी कि नौकरी तो जानी है ना, हमारे पास चॉइस ही नहीं है। जहां पे चॉइस नहीं होती वहां पे कौन सी चॉइस होती है, वहां पे ऑप्शंस चॉइस होती है, देयर इज नो चॉइस व्हिच इज ऑप्शंस चॉइस, तो वहां पे कंडीशन ही ऐसी होती है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर होता है वो ट्रू रिटर्न करेगा वैल्यू या ट्रू रिटर्न करेगा आउटपुट अगर बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज लेस देन 10। इट मींस मान लो एक्स इज इक्वल टू हमारा है 2, तो 2 5 से भी छोटा है और 2 10 से भी छोटा है, इसका मतलब एंड ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू है। एक स्टेटमेंट थी क्या एक्स 5 से छोटा है, जी हाँ। एक स्टेटमेंट थी क्या एक्स 10 से छोटा है, जी हाँ। तो अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू आंसर आएगा। और क्या होता है, मैंने बताया था रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब मान लो एक्स इज इक्वल टू मैं 4 ले लेता हूं, तो क्या 4 5 से छोटा है, ठीक है, लेकिन क्या 4 4 से छोटा है, नहीं है, 4 तो 4 के बराबर है ना। तो एक स्टेटमेंट तो ट्रू है और एक स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन हमने बताया था कि और ऑपरेटर जहां पे होता है वहां पे ट्रू आंसर आएगा अगर दोनों में से एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू है, तो एक ट्रू है तो इसका मतलब यहां पे ट्रू आएगा। और एंड क्या करता है, दोनों ट्रू होती हैं तो ट्रू रिटर्न करता है, एक भी गलत हुई तो एंड नहीं आएगा। नोट ऑपरेटर जो होता है वो रिजल्ट को रिवर्स कर देता है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको उल्टा करेगा, मतलब रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। देखो मान लो हमने ले लिया एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है एक्स लेस देन 5 एंड एक्स लेस देन 10, तो हम क्या करते हैं एक्स को ले लेते हैं 15, एक्स ले लिया हमने 15। अब इस 15 के हिसाब से क्या ये स्टेटमेंट जो है सेटिस्फाई हो रही है, एक्स इज लेस देन 5, नहीं भाई 15 तो 5 से बड़ा है। क्या ये स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, एक्स इज लेस देन 10, नहीं भाई 15 तो 10 से भी बड़ा है। यानी कि आंसर क्या आया हमारे पास, आंसर आया हमारे पास फॉल्स, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स फॉलो नहीं कर रही, लेकिन स्टेटमेंट्स के बाहर हमने एनओटी लिखा, एनओटी ऑपरेटर का यूज करके हम इन स्टेटमेंट्स का आंसर पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नोट के अंदर जो भी स्टेटमेंट थी उनका आंसर आया हमारा फॉल्स, लेकिन ओरिजिनल आंसर क्या आएगा, फॉल्स बदल जाएगा ट्रू में, क्योंकि नोट ऑपरेटर का काम होता है रिजल्ट को रिवर्स कर देना। आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नोट ऑपरेटर। चलें जी आगे, अब आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। देखो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी हम इन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का जो यूज करते हैं वो करते हैं ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना करने के लिए। अगर वो इक्वल नहीं है, अगर वो बराबर नहीं है, और अगर सच में वो सेम है दोनों, या तो वो बिल्कुल बराबर नहीं है या वो दोनों सच में सेम है विद द सेम मेमोरी लोकेशन, एक ही जगह पे उन दोनों की ऑब्जेक्ट्स की जो मेमोरी है एक ही जगह पे फिक्स है, थोड़ा सा टिपिकल है, चलिए देखते हैं। देखो इज ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट। जिनको वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने बताया था कि एक हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं वेरिएबल की हेल्प से, वो पिछले वाली वीडियो जरूर देखना, 5th डे वाली वीडियो, वहां पे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ पे इज ऑपरेटर, इज एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है, वो यूज हो रहा है, क्या करता है वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है अगर दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्स इज वाई, मान लो एक्स क्या है और वाई क्या है, एक्स एक खाली डब्बा है च्यवनप्राश का, वाई एक खाली डब्बा है बोर्नवीटा का। इस च्यवनप्राश वाले डिब्बे में हमने चीनी डाल दी, शुगर डाल दी, और इस दूसरे बोर्नवीटा वाले डिब्बे में भी हमने शुगर डाल दी, तो क्या हम कह सकते हैं एक्स इज वाई, क्योंकि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट और दोनों की वैल्यू सेम है। अगर दोनों में वैल्यू सेम है तो हम बोल सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो बोलने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा इज ऑपरेटर का, तो एक्स इज वाई ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा अगर दोनों वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट। वेरिएबल क्या होता है, जिसके अंदर कुछ वैल्यू होती है, जिसके अंदर कुछ डेटा स्टोर होता है, और कुछ डेटा स्टोर हो गया तो वो क्या बन गया, एक
ऑब्जेक्ट भी बन गया। अब मान लो एक्स में भी हमने सेम वैल्यू डाल दी, वाई में भी हमने सेम वैल्यू डाल दी, तो इतने हम बोल सकते हैं दोनों इक्वल। जी एक आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है इज नॉट। इज नॉट क्या करेगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा इफ बोथ वेरिएबल्स आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या था, बोथ वेरिएबल आर सेम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, बोथ वेरिएबल्स आर नॉट सेम ऑब्जेक्ट। यानी कि एक्स डब्बे में हमने चीनी डाल दी, वाई डब्बे में हमने बेसन डाल दिया, तो क्या दोनों ऑब्जेक्ट बराबर हुए, नहीं हुए, तो वहां पे क्या यूज करोगे, एक्स इज नॉट वाई, सिंपल है भाई। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट इफ ए सीक्वेंस इज प्रेजेंटेड इन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसमें कोई सीक्वेंस यानी कि उसमें कोई लगातार प्रक्रिया कोई मौजूद है या नहीं है, इसके लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। इन ऑपरेटर होता है एक मेंबरशिप ऑपरेटर, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये आंसर में ट्रू करेगा इफ ए सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। यानी कि एक्स में अगर हमने कोई एक वैल्यू डाली है, अगर उसका कुछ पार्ट या उसका कुछ हिस्सा अगर वाई में भी अवेलेबल है तो हम बोलेंगे एक्स इन वाई। मान लो एक एल करके लिस्ट हमने बना दी, ठीक है भाई, उस लिस्ट में हमने डाल दी चीनी बेसन अदरक और हमने वो लिस्ट कर दी बंद। फिर हमने एक वेरिएबल बना दिया x इज इक्वल टू चीनी, फिर हम अच्छा लिस्ट जो थी वो हमने y ली थी, मान लो y लिस्ट ली थी, एक वेरिएबल लिया था x जिसमें हमने चीनी डाली थी और लिस्ट में हमने चीनी बेसन और अदरक तीन चीजें डाली थी। फिर मैं कहता हूं कि इफ x इन y देन रिटर्न्स ट्रू, कि अगर x y में है तो ट्रू आ जाए। तो x में क्या था, चीनी, और y जो लिस्ट थी उसमें चीनी बेसन और अदरक तीनों चीजें थी, तो क्या x y में था, जी हाँ चीनी y में भी थी लिस्ट में भी थी, तो x इन y स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी और आंसर में हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। वही कह रहा है कि इन मेंबरशिप ऑपरेटर जो होता है वो वैल्यू ट्रू वैल्यू यानी कि ट्रू आंसर दिखाता है हमें अगर इफ द सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। यानी कि एक के अंदर अगर कोई वैल्यूज हैं और दूसरे की अगर कोई वैल्यू उसके अंदर मौजूद है तो हमें ट्रू मिलेगा। क्लियर है जी। फिर एक होता है नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर, ये ट्रू करता है इफ द सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। एक्स नॉट इन वाई, भाई वाई के अंदर है हमारे पास बेसन चीनी और भाई रिफाइंड ऑयल, एक्स में हमारे पास है आटा और हमारे पास है भाई छोले और एक और चीज है कुछ और, लेकिन दोनों की दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं, वहां पे क्या आएगा, नॉट इन ऑपरेटर का यूज होगा और ट्रू वैल्यू रिटर्न। उसके बाद आता है पाइथन बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज ऑपरेटर्स तुलना करने के लिए काम आते हैं बाइनरी नंबर्स। देखो एंड ऑपरेटर जो करता है ए एंड ए, उसका यूज होता है सेट ईच बिट टू वन इफ बोथ बिट्स आर वन। एक एक है तो आंसर क्या आएगा, एक आएगा। और ऑपरेटर सेट ईच बिट टू वन इफ वन ऑफ बिट्स टू इज वन, अगर एक है और जीरो है तो क्या आएगा, एक। XOR ऑपरेटर क्या करता है, सेट ईच बिट टू वन इफ ओनली वन ऑफ टू बिट्स इज वन, अगर यहाँ पे जीरो है यहाँ पे वन है तो भी वन आएगा XOR ऑपरेटर में। नोट ऑपरेटर में क्या होगा, इनवर्ट्स ऑल द बिट्स, यानी कि अगर वैल्यू एक आ रही है तो रिजल्ट जीरो कर देगा, वैल्यू जीरो आ रही है तो रिजल्ट एक कर देगा। नोट का काम हमने देखा था रिवर्स द रिजल्ट कर देता है। जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट बाय प्यूसिंग जीरोज इन फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट, लेफ्ट मोस्ट बिट्स फॉल ओ। और साइन राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, ये शिफ्ट कर देता है राइट बाय पुशिंग कॉपीज ऑफ द लेफ्ट मोस्ट बीट इन फ्रॉम द लेफ्ट एंड द लेट द राइट मोस्ट बीट्स फॉलो। ये यहाँ पे दो चीजें जो हैं, जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट और साइंड राइट शिफ्ट, ये थोड़ी सी टिपिकल है और थोड़ी सी अपर लेवल पे चली जाती है। अगर आप लोगों को इनके बारे में समझना है तो मैं समझा जरूर दूंगा, लेकिन इस चीज के बारे में ये लेवल है HSSC का एंड और जोर नोट, और ये लेवल चला जाता है PGT कंप्यूटर साइंस में। तो जब हम PGT कंप्यूटर साइंस TGT कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स देखेंगे वहां पे हम इन चीजों को डीप से समझेंगे। अगर HSSC पूछ भी सकता है तो सिर्फ इतना पूछ सकता है कि ये जो साइन दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं, जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, साइंड राइट शिफ्ट। क्लियर है जी।
चलिए जी, तो ये था हमारा ऑपरेटर्स का टॉपिक, जहाँ पे हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा और देखा कि कैसे ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं अलग अलग एक्शंस को। तो आई गेस आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ऑपरेटर्स का टॉपिक, और ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, अपना वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिस्ट के टॉपिक के साथ। जैसे स्ट्रिंग का हमने कंप्लीट एक टॉपिक पढ़ा है, ऐसे ही लिस्ट का एक कंप्लीट टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में, तो देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे गाइस।